तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आप एक BSNL यूजर हो एंड अगर आप BSNL सिम यूज कर रहे हो, चाहे आप पोस्टपेड हो चाहे आप प्रीपेड यूज कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि जियो, VI, एयरटेल, अदर सिम पे अलग अलग सिस्टम रहता है, जिसके थ्रू आप जो है बैलेंस चेक कर सकते हो, डाटा चेक कर सकते हो, कितना आपने अभी यूज किया वो भी ट्रैक कर सकते हो। एंड अगर आप BSNL में आप डाटा यूज करते हो, चाहे आप कॉलिंग के लिए यूज करते हो, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड आपका कौन सी कॉलर ट्यून लगा हुआ, अब अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, बैलेंस ट्रैक करने के लिए वो भी कर सकते हो, एंड कितना दिन वैलिडिटी वो भी आप चेक कर सकते हो। मतलब सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड कैसे देखना है मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, जैसे मैं आपको पहले बताया कि VI, एयरटेल एंड जियो की तरह BSNL का भी आप सब कुछ चेक कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको एक ऐप्स इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में। तो यहाँ पे जाके सर्च करना है सिंपली BSNL प्ले स्टोर में जाके, एंड सबसे ऊपर जो आएगा BSNL सेल्फ केयर, आप BSNL सेल्फ केयर भी सर्च कर सकते हो। एंड जस्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे ओपन ऑप्शन आएगा, ओपन पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको BSNL सिम जो है इस मोबाइल पे होना जरूरी है, एंड यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ के बाद और एक बार अलाउ, एंड जितना अलाउ मांगते हैं आपको कर देना है। आपको अभी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जैसे मैं डिफॉल्ट कर लूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वेलकम दिखाएगा एंड लॉगिन करने बोलेगा, एंड नीचे एक जो है यू डोंट हैव अकाउंट अभी तक, तो रजिस्टर ऑप्शन आया तो रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ भर देना है, आपका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड। एंड यहाँ पे पासवर्ड किस टाइप का होना है यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट ये कर लेना है। ये मैं प्रोसेस कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया, एंड यहाँ पे क्रिएट अकाउंट जो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पे लोडिंग होने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो 2 मिनट के अंदर टाइम देता है। OTP जो आपको अलाउ करके ऑटो डिटेक्ट या तो फिर डाल देना है। एंड यहाँ पे अगेन लोडिंग होगा, उसके बाद ये जो है रेडी हो जाएगा। तो जैसे ये प्रोसेस होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो कंग्रेचुलेशन दिखाएगा, एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके देख सकते हो आप क्या क्या है, रिचार्ज कर सकते हो, पे बिल कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो ऊपर जो आपको एक डेमो की तरह दिखाएगा, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर जाना है। एंड यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड यहाँ पे गॉट इट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन खुल जाएगा, एंड आपका मोबाइल नंबर, नाम, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो फिंगरप्रिंट एनेबल कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका नाम दिखाई देगा, मोबाइल नंबर शो होगा, एंड यहाँ पे कितना बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड कितना वैलिडिटी है, कितना आप डाटा यूज किए हो, रिमेनिंग कितना GB है, एंड सब कुछ आपको दिखाई देगा। अदर नंबर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, रिचार्ज पे बिल सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप व्यू प्लान देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करना है, बस यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा कब तक वैलिडिटी है, कब एक्सपायर हो रहा है। तो 10 जनवरी 2022 को एक्सपायर होगा वॉइस कॉल, एंड इतना मिनट का बचा हुआ, 5 मिनट्स का ओनली बचा हुआ, एंड डाटा पैक जो है 2.95 GB का है। तो आप जो इसी तरीके से BSNL में आपका मोबाइल नंबर का सब कुछ चेक कर सकते हो। अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो, यहाँ से रिचार्ज करना है क्लिक करके, एंड मोबाइल नंबर, एंटायर अमाउंट डाल के, उसका कोई भी प्लान चेक करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे जाना है, एंड बिल्कुल जो यहाँ पे अपडेटेड जो प्लान है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बाकी अदर ऐप में ऐसे दिखाई नहीं देता। तो आई होप गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए, एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।